हेलो फ्रेंड्स, तो आज फार्मास्यूटिक्स में मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का हम लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द होमोजेनाइजेशन। अभी तक जो हमने पहले के जो 5 लेक्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स पढ़े थे लिक्विड, सेमी सॉलिड और पाउडर की मिक्सिंग के, कि कैसे हम लिक्विड मिक्सिंग करते हैं, कैसे पाउडर मिक्सिंग करते हैं या सेमी सॉलिड मिक्सिंग करते हैं, या कौन से फैक्टर्स वी शुड कंसिडर ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स या इन केस ऑफ लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक अबाउट द होमोजेनाइजेशन। व्हाट इज द होमोजेनाइजेशन? एक्चुअली होमोजेनाइजेशन क्या है, इस लेक्चर को समझने से पहले हमें जो हेडिंग है या जो वर्ड होमोजेनाइजेशन वो डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। होमोजेनाइजेशन एक्चुअली क्या होती है? होमोजेनाइजेशन, होमो मतलब सेम और जेनाइजेशन मतलब फेज, कि अगर कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का अगर हमें बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे वो इमल्शन है, सस्पेंशन है या ऑइंटमेंट है, पेस्ट है या कोई भी सेमी सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उस प्रिपरेशन को फाइन फॉर्म में स्मूथनेस प्रोवाइड करनी है, उसको सेम कंसिस्टेंसी का बनाना है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द होमोजेनाइजेशन। तो अगर हम होमोजेनाइजेशन वर्ड को डिफाइन करें तो इसके अंदर तीन वर्ड्स मेनली कंसीडर करते हैं, कि टू मेक द एनी प्रिपरेशन यूनिफॉर्म, एक तो वो जो प्रिपरेशन है हमारी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इट मस्ट हैव द स्मूथ कंसिस्टेंसी, स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड फाइन। फाइन जो उसके अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, टच करने में पार्टिकल्स की किसी भी तरह की ग्रिटीनेस फील ना हो, और ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे अब हमने ये जो होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस आती है मिक्सिंग के बाद की, ठीक है। जैसे हमने पाउडर की मिक्सिंग की, सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग की या लिक्विड की मिक्सिंग की, उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो फाइनल टच देना है, फाइनल टच देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। अब हम ये कहें कि होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस जरूरी क्यों है? देखो, स्टार्टिंग में भी जो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हाँ ठीक है कि उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी या थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें तो कंसीडर की जाती हैं, लेकिन जो सबसे पहले प्रोडक्ट की हम क्या देखते हैं, क्वालिटी, कि वो दिखने में कैसा है, प्रोडक्ट की ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज, कि उसका कलर कैसा है, या प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, कि वो टच करने में स्मूथ कैसी है। अगर देखो, सीधी सी बात है कि आप सपोज एक कोई कोल्ड क्रीम लेने गए हैं, उस कोल्ड क्रीम को आपने टच करके देखा, एक कोल्ड क्रीम तो ऐसी थी जिसमें आपको थोड़ी ग्रिटीनेस मतलब पार्टिकल्स महसूस हुए, एक कोल्ड क्रीम ऐसी है जो टच करने में बिल्कुल स्मूथ है और इजीली स्प्रेड होगी, तो ऑब्वियसली आप कौन सी कोल्ड क्रीम लोगे? वही जिसकी कंसिस्टेंसी बेटर होगी, जो स्मूथ होगी, कि हमारे दिमाग में एकदम से जाएगा कि हाँ ये तो रब करने में भी ग्रिटीनेस है या पार्टिकल इसके अलग से महसूस हो रहे हैं। तो वही चीज़ है कि होमोजेनाइजेशन जो है मिक्सिंग के बाद का स्टेप है, कि जिसमें हमने मिक्सिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को एक फाइनल टच देना है टू मेक इट यूनिफॉर्म एंड टू मेक द स्मूथ कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि होमोजेनाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स कौन से यूज करते हैं। होमोजेनाइजेशन के लिए मेनली हम जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, यहाँ तीन तरह के मैंने इक्विपमेंट्स के डायग्राम बनाए हैं, लेकिन इनकी पूरी फुल लेबलिंग मैंने नहीं की, इसकी हम साथ साथ लेबलिंग करेंगे, ताकि जैसा कि हम हर लेक्चर में पहले भी करते हैं, ताकि आपको इसकी वर्किंग या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये मेरे पास है यहाँ पर हैंड होमोजेनाइजर, दिस वन इज द हैंड ऑपरेटेड होमोजेनाइजर। अब ये जो हैंड होमोजेनाइजर है, आप ये सिंपल इसको देखोगे तो आपके फार्मेसी लैब्स में भी अवेलेबल होगा। इस हैंड होमोजेनाइजर के ऊपर यहाँ एक हुपर बना हुआ है, हुपर के नीचे यहाँ एक छोटा सा ओरिफाइस होगा, ओरिफाइस
दिस इज द हैंडल और दिस इज द जो भी इसका बेस। होमोजेनाइजेशन का जो बेसिक प्रोसेस होता क्या है, कैसे हम होमोजेनाइजेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वी विल अप्लाई द शियर फोर्स ऑन दैट प्रोडक्ट एंड विल पास इट थ्रू अ नैरो ओरिफाइस। हम क्या करते हैं उसके अंदर कि वी विल अप्लाई द शियर फोर्स, हम उसमें अंडर द शियर फोर्स अप्लाई करके, शियर फोर्स मतलब फोर्सफुली, शियर फोर्स अप्लाई करके हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को बहुत ही नैरो, बहुत ही स्मॉल ओरिफाइस से पास करेंगे। जैसे ही वो फोर्सफुली हम किसी ओरिफाइस से उसको पास करेंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई क्लोट्स होंगे, कोई बड़े लंप्स होंगे तो वो पार्टिकल्स या तो पास नहीं होंगे या वो टूट के ब्रेक होके उस ओरिफाइस से पास होंगे और हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी का, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो बेसिक है कि हम होमोजेनाइजेशन करते कैसे हैं। अब जो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं हैंड होमोजेनाइजर। हैंड होमोजेनाइजर में क्या है, ये होपर है, जिस होपर में से जिस मटेरियल को आपने क्या करना है, होमोजेनाइज करना है। पहले तो जो हैंड होमोजेनाइजर है इसको मेनली हम यूज करते हैं फॉर द ऑइंटमेंट्स, पेस्ट या कोई भी जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे क्रीम्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, उन सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की होमोजेनाइजेशन के लिए हम हैंड होमोजेनाइजर को यूज करते हैं। यहाँ ये होपर है, जिस होपर के अंदर जो हमने सपोज ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट की हमने होमोजेनाइजेशन करनी है, ऑइंटमेंट को हमने स्मूथ बनाना है, हम क्या करेंगे इस होपर में हम अपना ऑइंटमेंट ऐड करेंगे। यहाँ ये हैंड होमोजेनाइजर है, हैंड होमोजेनाइजर को हम ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे इसको मूव करेंगे। यहाँ एक नैरो ओरिफाइस बना हुआ है तो फोर्सफुली जब वो पास होगा यहाँ से, इट विल पास इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन जेट, एक फाइन जेट के थ्रू। देखो अगर फोर्सफुली किसी चीज को एक स्मॉल स्पेस से गुजारने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल साइज तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में और सारे पार्टिकल जो ओरिफाइस है ही एक साइज का, और सारी प्रिपरेशन को आपने उसी ओरिफाइस से पास करना है, गुजारना है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल साइज सबका सेम होगा। जो उससे छोटे हैं वो तो इजीली पास हो ही जाएंगे ओरिफाइस से, लेकिन जो बड़े हैं वो फोर्सफुली क्या है, ब्रेक कर दिए जाएंगे शियर फोर्स की वजह से और वो यहाँ पास हो जाएंगे। इस तरह से जो अभी इसमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द होमोजेनाइज्ड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट या होमोजेनाइज ऑइंटमेंट। लेकिन जो ये हैंड होमोजेनाइजर है इट इज यूज्ड ओनली एट द लैब स्केल, इसको सिर्फ लैब स्केल पर ही हम यूज कर सकते हैं, लैबोरेटरी पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हैंड होमोजेनाइजर को यूज नहीं किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, आप हैंड ऑपरेटेड मशीन से कितना एक प्रोडक्ट होमोजेनाइज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिल्वरसन मिक्सर की। दिस इज द सिल्वरसन मिक्सर। सिल्वरसन मिक्सर को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी है। दिस इज द सिल्वरसन मिक्सर इमल्सीफायर, सिल्वरसन मिक्सर इमल्सीफायर। अब ये जो सिल्वरसन मिक्सर इमल्सीफायर है इसको मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर द इमल्शंस, सस्पेंशंस और फॉर द लिक्विड प्रिपरेशंस, बायोफेजिक या मोनोफेजिक कोई भी जो लिक्विड प्रिपरेशंस है उनके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द सिल्वरसन मिक्सर। ये जो है ये हमारी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। ये जो है सेंटर में, दिस इज द सेंट्रल शाफ्ट, जो एक सिंपल डंडी है, सेंट्रल शाफ्ट बोलते हैं डंडी, जिसके साथ हमारा ये क्या अटैच है यहाँ पे, ये अटैच है इमल्सीफायर हेड।
इमल्सिफायर हेड इसको बोला हुआ है और ये साइड पे इसके जो है सपोर्टर है। अब ये देखो काम कैसे करेगा, आपको अगर थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करें, हम किचन में भी देखते हैं एक ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर मिक्सर जो यूज किया जाता है रूटीन में, ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसके ऊपर बटन होता है, नीचे शाफ्ट होता है और उसके नीचे छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ब्लेंडर होता है उस सेम ये इमल्शन मिक्सर सिल्वरसन मिक्सर इमल्सिफायर है, इसको उससे कंपेयर करो। इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ इमल्सिफायर हेड के अंदर डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ यहाँ एक सेंट्रल शाफ्ट है, इस सेंट्रल शाफ्ट से यहाँ इमल्सिफायर हेड अटैच है। अब इस इमल्सिफायर हेड के अंदर क्या है, इस इमल्सिफायर हेड के अंदर छोटे छोटे, जैसे ये सपोज इमल्सिफायर हेड है, इमल्सिफायर हेड में यहाँ छोटे छोटे जो है ब्लेड्स लगे हुए हैं, शार्प ब्लेड्स लगे हुए हैं या शार्प नाइफ्स लगे हुए हैं, एंड दीज आर कवर्ड विद द, इसके ऊपर जो ये पूरा का पूरा है कवर है विद द हेल्प ऑफ ए मैश, और इसको एक जाली से कवर किया हुआ है पर्टिकुलर ओरिफाइस की, जो जाली का मैश साइज है वो एक पर्टिकुलर मैश साइज से कवर किया हुआ है। हम क्या करेंगे, जिस भी लिक्विड को या जिस भी इमल्शन को, सस्पेंशन को, हमने जिसको भी इमल्सिफाई करना है या जिसे भी यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है, जैसे कंटेनर के अंदर हमने अपना प्रोडक्ट डाला, उस कंटेनर के अंदर हमने ये इमल्शन मिक्सर इमल्सिफायर डाला और ये हमारा प्रोडक्ट है। सिंपल जैसे ब्लेंडर है, ब्लेंडर को यूज करके आप क्या करते हो घर में, लिक्विड जैसे मिल्क शेक्स बनाना या समथिंग लाइक दैट, सेम चीज वो है जैसे मिक्सर जूसर के साथ आता है। तो इसमें आपने क्या किया, इमल्शन मिक्सर इमल्सिफायर को इसमें ऐड डाला और इसको हाई स्पीड पे आपने रोटेट कर दिया। जब इसको रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें शार्प ब्लेड्स हैं, तो शार्प ब्लेड्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका साइज भी रिड्यूस करेंगे, एक पर्टिकुलर जो मैश साइज है, मैश साइज से उसको कवर किया हुआ है तो जो पार्टिकल उससे छोटे हैं वही सिर्फ आपके यहाँ कंटेनर में आएंगे, बाकी तो अंदर ही होंगे, जब तक ब्लेड उनको उतने ही साइज में रिड्यूस नहीं करेंगे या होमोजेनाइज नहीं कर देंगे तब तक वो बाहर पास नहीं होगा। इस तरह से आप इसके अंदर एक जो यूनिफॉर्म इमल्शन और सस्पेंशन या यूनिफॉर्म लिक्विड प्रिपरेशन को बना सकते हो या होमोजेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड वन है दैट इज द कोलॉइड में, दिस वन इज द कोलॉइड में, कोलॉइड में। अब जो ये कोलॉइड मिल है देखो वर्किंग सबकी बहुत इजी है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो वर्किंग तो आप इसमें बड़े आराम से खुद ही लिख सकते हो। ये जो कोलॉइड मिल है देखो यहाँ इसमें सबसे ऊपर यहाँ ऊपर है, सबसे पहले तो ये कोलॉइड मिल किसके लिए यूज होती है, ये भी सेम सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है। सेमी सॉलिड्स के अंदर वही आपके इमल्शन क्रीम ऑइंटमेंट्स जेल्स कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम कोलॉइडल मिल्क का यूज करते हैं। दिस इज द होपर, यहाँ इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये रोटर पार्ट है और एक ये स्टेटर पार्ट है, इसको मैं अलग अलग कलर से थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। देखो जो रोटर पार्ट है ये जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है दिस वन, ये तो इसका रोटर पार्ट है, रोटर मतलब जो इसका ये घूमेगा पार्ट, फिक्स नहीं होगा, और जो ये मैं ग्रीन पेन से इसका केस, बाहर का जो केस है, कुल मिलाकर इसकी बाहर की बॉडी है, दिस वन इज द स्टेटर पार्ट, स्टेटर मतलब फिक्स पार्ट है इसका। अब इसमें वर्किंग क्लियर समझ में आ गई कि ये अपने पास ये क्या है, ये कोलॉइडल मिल और ये इसकी आउटलेट हो जाएगी, यहां से आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ ऊपर से आपने क्या किया, ऊपर में से आपने यहाँ पे आपने अपना मटेरियल डाला, जिस मटेरियल को आपने होमोजेनाइज करना है, मटेरियल क्या होगा, ऑइंटमेंट पेस्ट जेलिस कोई भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इसके बाद आपने क्या किया, इस रोटर को आपने एक स्पीड से रोटेट किया, पर्टिकुलर आरपीएम पे सेट करके हम स्पीड से रोटेट करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पीड अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर वही प्रॉब्लम कि जो आपका मटेरियल है वो सारा स्टेटर के साथ, स्टेटर की वॉल्स के साथ आपका वो चिपक जाएगा और ये प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट नहीं होगी। एक चीज और, जो इसमें स्टेटर और रोटेटर के बीच में जो गैप है वो गैप बहुत कम होता है।
अब जब ये रोटेट होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल साइज भी रिड्यूस होगा, और पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के बाद इसकी होमोजेनाइजेशन होगी, आपके जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है वो स्मूथ कंसिस्टेंसी की बनके यहाँ आउटलेट से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट स्मूथ नहीं है, या जो भी आपका प्रोडक्ट मतलब इसमें नहीं सेम कंसिस्टेंसी का बना है, तो इस प्रोसेस को हम दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक। यहाँ होमोजेनाइजेशन हमारी कंप्लीट होती है। थोड़ा सा होमोजेनाइजेशन को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज द होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड और विच इज प्रोसीडेड after the mixing so that we can get the uniform and the fine product with the smooth consistency of after the mixing of liquid semi solids as well as the powders. In the case of the homogenization we will pass our जो है powders का हम ये नहीं कह सकते कि हम इन तीन apparatus में तो हम खैर किसी की भी पाउडर के लिए होमोजेनाइजेशन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। पाउडर्स की जो होमोजेनाइजेशन है उसके लिए हम डिफरेंट तरह के सीव्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स में मैंने आपको साइज सेपरेशन के अंदर पूरा टॉपिक करवाया था, जिसमें हम आप एक ही साइज के पार्टिकल्स के पाउडर्स को डिफरेंट कर सकते हैं डिफरेंट सीव्स को अरेंज करके। बात करते हैं यहाँ सेमी सॉलिड्स की या फिर लिक्विड प्रिपरेशन की। उसके लिए सबसे पहला हमने यहाँ डिस्कस किया है हैंड होमोजेनाइजर, एंड जो बेसिक कंसेप्ट है होमोजेनाइजेशन का कि वी विल पास अवर प्रिपरेशन थ्रू अ वेरी स्मॉल और नैरो ओरिफाइस अंडर द शियर फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल साइज विल रिड्यूस एंड वी विल गेट द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ द स्मूथ कंसिस्टेंसी। तो देन फर्स्ट वी विल पास आवर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन थ्रू द होपर एंड इट इज अ हैंड ऑपरेटेड मशीन, सो व्हेन वी विल अप्लाई द शियर फोर्स विद द हेल्प ऑफ द हैंडल द मटेरियल विल पास थ्रू अ वेरी वेरी स्मॉल ऑरिफाइस इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द जेट एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ वेरी स्मूथ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज द सिल्वरसन मिक्सर इमल्सिफायर विच इज मेनली यूज्ड टू मेक द स्मूथ और द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ द इमल्शन सस्पेंशन ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन। इफ वी रिजेंबल इट इट ऑल्सो वर्क सेम एज दैट ऑफ द हैंड ब्लेंडर विच इज यूज इन द जनरल और रूटीन वेयर इन द किचन प्रोडक्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर विच इज लिंक्ड विद द सेंट्रल शाफ्ट एंड हेयर इट इज द इमल्सिफायर हेड। In the emulsifier head, there are the number of the sharp plates which are enclosed in the mesh of a particular sieve size. The material which has to be homogenized is put in a container. Then put the emulsifier head in the container at a small distance above the base and rotate it at the high RPM. Due to the presence of the blades in the emulsifier head, the particle size will reduce as well as the we will get the homogenized product. Third one is the colloid mill. Colloid mill is also used for the semi-solid products. Here is the hopper. One is the rotor part and the stator part. Then the between the rotor and stator part there is the very small gap, and when the we will put the material through the hopper, rotor will rotate, and due to the small gap between rotor and stator, it will cause particle size reduction as well as the it will change the product in the smooth consistency. And these processes can be repeated again and again until we will get the product of the desired consistency. तो यहाँ I hope कि आपको ये मेरा lecture पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। Homogenization एक बहुत ही छोटा सा topic था, सिर्फ आपको अगर आपको किसी भी मशीन आपको ये पता होना चाहिए कि कोलाइडर मिल है या सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि वो हम किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं कर रहे हैं। चाहे कोई भी इक्विपमेंट है, सपोज बॉल मिल आ गई या कोलाइडर मिल आ गई, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि ये होमोजेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको होमोजेनाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है और किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपको मशीन की कंस्ट्रक्शन मतलब कि उसका डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया, उसकी लेबलिंग अच्छे से करनी आ गई, तो उसकी वर्किंग तो आप उसमें अपने आप से लिख ही लोगे। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर हमारा आज यहाँ कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब के लिए ऑल द बेस्ट।